हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का सेशन काफी धमाकेदार होने वाला है और आज के सेशन को अटेंड करने के बाद आप बस एक ही चीज बोलेंगे कि वह सचिन सर, मजा आ गया आज के सेशन को करके। तो आखिरकार आज के सेशन में ऐसा क्या है? तो बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी पीएससी एपीएस 2023 यानी 2023 कंप्यूटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बिल्कुल, यहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस की जो कि एग्जाम में अभी तक पूछे गए। लेकिन एपीएस का एग्जाम तो 10 साल पहले हुआ है, तो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का क्या मतलब है एक बार ये देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब है यूपी पीएससी ने अभी तक जितने भी एग्जाम लिए हैं या ले रहा है लगातार, यहां पर जो कंप्यूटर की ये क्वेश्चंस पूछ रहा है उन पर पूरे तरीके से रिसर्च कर ली गई है और यहां से उन क्वेश्चंस को निकाल के लाया गया है जो कि यूपी पीएससी किसी ना किसी एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चंस को देता है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया यहां से कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो क्या रहेंगे। एमएस ऑफिस के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए उनका स्टैंडर्ड क्या है, और इन क्वेश्चंस को देखकर हमें एक चीज पता चली कि इन्होंने लिखा है वर्किंग ऑफ एमएस ऑफिस। ये क्यों लिखा? क्योंकि जो क्वेश्चंस ये पूछते हैं हर बार वो बहुत डिटेल्ड होते हैं। जब तक आपको एमएस ऑफिस का मतलब एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट की नॉलेज नहीं होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये किस इसका आंसर कैसे करें, ये टैब कहां पर आता है, किसके अंदर आता है, ये ऑप्शन, ये मेन्यू कहां पर दिखाई देता है, ये शॉर्टकट कैसे बनता है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, ये आपको तभी पता चलेगा जब थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, ज्यादा नहीं। क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट आपको कहां पर है? थर्ड फेज में। लेकिन यहां पर आपको वो वर्किंग ऑफ नॉलेज का आइडिया होना चाहिए जिसकी मदद से आप क्वेश्चंस के आंसर्स को कर पाए। तो बिल्कुल, आज के सेशन में हम लोग इसी लेवल पर बात करने वाले हैं। तैयार हैं आप सब? एक बार पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। वो पॉइंट्स जो आपको नए लग रहे हैं उनको साथ ही साथ नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो आज है इसका Day 2। चलिए डिस्कस करते हैं गाइस। इसके प्रीवियस वाले सेशन में हमने आपको बताया था एक डेमो सेशन सर्च इंजन के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में साफ तौर पर गिवन है, सर्च इंजन लाइक गूगल ईटीसी। तो हमने जितने भी सर्च इंजन हो सकते थे उसके बारे में आपको डिस्कशन किया, आपको बताया, साथ ही साथ उसके एमसीक्यूज भी करवाए। अगेन आज के सेशन में जो पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं वो है आपके सिलेबस का सेकेंड वाला पोर्शन, जहां लिखा हुआ है वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस पैकेज, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के देखते हैं उन क्वेश्चंस को। साथ ही साथ क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको अपने कोर्स के बारे में भी दे दें, क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन होता है, सर कोर्स कब से शुरू कर रहे हैं? तो यूपी पीएससी एपीएस का जो कोर्स है एग्जाम ओरिएंटेड शुरू हो रहा है 28 सितंबर से। टाइमिंग क्या है? ये लाइव क्लासेस होंगी और जो लाइव क्लास चलेंगी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेगी। लाइव टाइमिंग्स हैं 1 PM, तो डेली बेसिस पर 1 बजे आपको एप्लीकेशन पर लाइव कनेक्ट हो जाना है और इस कोर्स के रिगार्डिंग पढ़ना है। अगर आप लाइव कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, ये कोर्स आपको यहाँ पर जितनी भी वीडियोज होंगी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेगी। क्या क्या मिलेगा? टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज पीडीएफ, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, मिक्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस, वो सब, ये सब आपको यहाँ पर गाइस मिलेगा। क्या इसके अलावा भी सर कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? समय ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये कोर्स अपने में सफिशियंट है टू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल। सर कितनी क्लासेस होंगी यहाँ पे लगभग? तो लगभग यहाँ पे आप मान के चलिए 50 to 55 घंटे की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, तो 50 से 55 क्लासेस होंगी, तो ये पूरा सफिशियंट है एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने के लिए।
सर कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? कोर्स कंप्लीशन की जो डेट है वो मिड ऑफ नवंबर है, यानी कोशिश होगी कि 15 नवंबर तक आपका ये कोर्स खत्म हो जाए और फिर जितने भी दिन हमारे पास में बचे एग्जामिनेशन को लेकर उसमें हम रिवीजन भी कर पाएं बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर सिर्फ कोर्स कंप्लीट नहीं होता, रिवीजन भी होता है, डाउट सेशंस भी होते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और वैलिडिटी कितनी है? वैलिडिटी है 12 मंथ्स फ्रॉम दी डेट ऑफ परचेज। इस कोर्स की जो कॉस्ट है वो दी गई है 499, और ये कोर्स मिलेगा कहाँ पर? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन पर, यानी इसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल करनी होगी गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर उसके बाद अरोड़ा एजुकेटर लिखना होगा। जैसे ही अरोड़ा एजुकेटर लिखेंगे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी आपकी और फिर इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके, यहाँ पर मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, कभी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप हमको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। क्लियर है गाइस? तो चलिए आज के सेशन की शानदार शुरुआत करते हैं। हैव अ लुक, क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है गाइस, एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हेन एंटर्ड इन द सेल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट नंबर्स आर बाय डिफॉल्ट। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के, यहां पर बात हो रही है वर्कशीट्स की, संख्याओं प्रविष्ट की जाती हैं तो वो पूर्व निर्धारित स्थिति बाय डिफॉल्ट द्वारा कहाँ होती है? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शंस कह रहा है लेफ्ट अलाइंड, सेंटर अलाइंड, राइट और जस्टिफाई। यानी आपको यहां पर यह बताना है एमएस एक्सेल में कि जब हम कोई नंबर्स लिखते हैं तो वो कहां पर होते हैं? वो राइट साइड होते हैं, वो लेफ्ट साइड अलाइंड होते हैं, वो सेंटर में होते हैं या जस्टिफाइड होते हैं। तो हम जानते हैं कि एक्सेल में नंबर्स हमेशा राइट साइड होते हैं, यानी थर्ड होगा करेक्ट आंसर, दाई ओर संरेखित। बिल्कुल आप जानते होंगे, बहुत आसान है। हम लोग ये भी जानते हैं कि एमएस एक्सेल में जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो लेफ्ट साइड होता है और जब भी कोई नंबर्स लिखते हैं तो वो राइट साइड में अलाइन होते हैं। आइए इसको जरा थोड़ा प्रैक्टिकल बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। हैव अ लुक, आपने एमएस एक्सेल ओपन करी और जब आपने लिखा कोई भी टेक्स्ट जैसे सेल्स, एक्सपेंसेस, अपना नाम, तो आप देखेंगे कि ये लेफ्ट साइड पर अलाइंड हो जाएगा अपने आप, लेफ्ट साइड। लेकिन जब आप कोई भी नंबर लिखेंगे, जैसे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी या कोई भी नंबर लिखा आपने, तो ये बाय डिफॉल्ट कहां पर हो जाएंगे? राइट अलाइंड, है ना, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। तो यही क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि नंबर्स किस तरफ होते हैं, तो आपने कहा सर राइट अलाइंड होते हैं, दाई ओर संरेखित होते हैं। वेरी गुड। एक एग्जाम्पल और भी है जिससे ये चीज प्रूफ होती हुई नजर आ रही है। हमने एक टेबल यहां पर बनाई, एक्सेल में हमने कुछ डिपार्टमेंट लिए, आइटम्स के नाम लिए और क्वांटिटी ली। आप देखिएगा डिपार्टमेंट और आइटम के नाम, जैसे सपोर्ट, सेल्स ऑफिस, मैनेजमेंट, आइटम के नाम जितने भी थे ये सब आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, जबकि नंबर्स यानी जो क्वांटिटी है ये राइट हैंड साइड है। तो यहां से भी प्रूफ होता हुआ नजर आ गया कि नंबर्स हमेशा राइट साइड में होंगे लेकिन टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड में अलाइन होगा। क्लियर? वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन जो कि कई बार पूछा गया है, ये क्या है ये क्वेश्चन? इन एमएस वर्ड यू कैन कस्टमाइज और चूज प्री डिफाइंड मार्जिन सेटिंग बाई गोइंग टू। एमएस वर्ड में आप डैश का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं यानी मार्जिन सेटिंग्स को अनुकूलित कस्टमाइज कर सकते हैं या चुन सकते हैं। यानी यहां पर बात सिर्फ दो चीजों की हो रही है, एक तो मार्जिन सेटिंग की बात हो रही है कि मार्जिन अगर आपको सेट करनी है एमएस वर्ड में तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बस सिर्फ ये बताइए। या आप ये समझ लीजिए कि एमएस वर्ड में मार्जिन किस टैब में देखने को मिलती है, बस ये बताना है आपको, लेआउट में
इंसर्ट में जाकर, रिव्यू में या ड्रॉ में। बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड में जब भी हमें मार्जिन सेट करनी होती है या इंडेंटेशन सेट करना होता है तो हमेशा ये हमें देखने को मिलता है लेआउट के टैब में। कहाँ मिलता है गाइस? लेआउट में जाएंगे तो मार्जिन का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि कहां पर ये हमें दिखाई देगा। हैव अ लुक गाइस, ये रहा। देखो पहले तो क्वेश्चन समझना आना चाहिए आपको। तो क्वेश्चन में जैसे ही आपने देखा एमएस वर्ड और मार्जिन, तो आपको सचिन सर की याद आ जानी चाहिए कि सचिन सर ने कहा है मार्जिन हमेशा कहां पर मिलती है? लेआउट के टैब में। कहां पर? मार्जिन लेआउट, मार्जिन लेआउट। अब आइए इसको देखते हैं। हमने एमएस वर्ड ओपन किया, लेआउट पर क्लिक किया और लेआउट पर आप देखिए आपको दिख रहा होगा मार्जिन, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो तरीके के होते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। साइज, पेज का साइज भी यहीं पर दिया होता है। कॉलम्स, ब्रेक, लाइन नंबर, हाइफिनेशन, इंडेंट, लेफ्ट और राइट यानी मार्जिन जिसको बोलते हैं, अगेन इंडेंटेशन बोले या मार्जिन बोले एक ही बात है। तो आपने यहां से ये देखा कि जब हम लेआउट वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो ही हमें मार्जिन दिखेगा। और यही तो क्वेश्चन में भी पूछ रहा था कि मार्जिन हमें किस टैब में देखने को मिलता है, तो आंसर है लेआउट वाले टैब में। अगर ओरिएंटेशन पूछे तो भी लेआउट होगा, साइज पूछें तो भी लेआउट होगा, कॉलम्स पूछें तो भी लेआउट होगा, ब्रेक पूछें, लाइन नंबर, हाइफिनेशन, इंडेंट, ये सभी केसेस में आंसर क्या होने वाला है? लेआउट होने वाला है। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन एमएस पावर पॉइंट कह रहा है, इधर आइए जरा सुनिए। पावर पॉइंट में यू वॉन्ट टू इंश्योर दैट योर कंपनी लोगो अपियर्स ऑन द राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ ऑल दी स्लाइड्स इन अ गिवन प्रेजेंटेशन, विच ऑफ दी फॉलोइंग व्यूज वुड यू यूज टू डू दिस। कह रहा है एमएस पावर पॉइंट में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक चिन्ह यानी लोगो किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड्स के ऊपर दाएं कोने में दिखाई दे। ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी भी सभी स्लाइड्स में आपको कंपनी का लोगो दिखाई देगा, अरोड़ा एजुकेटर, और साथ में हमारी फोटो, ये सभी स्लाइड्स में आपको दिखाई देगा। तो ये मैंने कैसे किया होगा? स्लाइड सॉर्टर की मदद से किया, स्लाइड मास्टर की मदद से किया, नोट्स मास्टर की मदद से किया, या आउटलाइन व्यू किया? कैसे किया? आंसर है हमने यहां पर स्लाइड मास्टर की मदद ली, और जो भी हम स्लाइड मास्टर में लगा देते हैं वो सभी स्लाइड पर ऑटोमेटिक शो हो जाता है। तो आंसर क्या होगा गाइस? दिस इज कॉल्ड स्लाइड मास्टर। क्या ये समझ में आया? तो सभी लोगों की बात करें या सभी बैनर्स की बात करें या सभी किसी भी चिन्ह की बात करें और कहा जाए कि सभी स्लाइड पर आना है, तो आंसर क्या होगा इस केस में? स्लाइड मास्टर ही होगा। आइए इसको देखते हैं। अगेन हमने क्या किया, यहां पर पावर पॉइंट ओपन किया, व्यू टैब पर क्लिक किया और व्यू टैब में हमें व्यूज देखने को मिलते हैं, जो कि एमएस पावर पॉइंट में टोटल व्यूज पर क्लिक करने पर 8 व्यू देखने को मिलते हैं। कितने व्यूज? 8 व्यूज। अब ये 8 व्यूज कौन कौन से हैं? जिसमें से 5 है आपका प्रेजेंटेशन और 3 है आपके मास्टर व्यूज। 5 प्रेजेंटेशन व्यूज और 3 आपके मास्टर व्यूज। फिर से एक बार, 5 प्रेजेंटेशन व्यूज और 3 मास्टर व्यूज। प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू। जबकि मास्टर की बात करें तो इसमें स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर। पर आप देख सकते हैं स्लाइड मास्टर पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम किसी भी लोगो को हर एक स्लाइड पर ला सकते हैं। दिस इज विद द हेल्प ऑफ व्हाट? स्लाइड
मास्टर, समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंसर्ट अ टेबल ऑफ कंटेंट इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट यू वुड नीड टू गो टू द डैश मेन्यू टैब। कह रहा है टू इंसर्ट अ टेबल ऑफ कंटेंट, अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है किसमें, एमएस वर्ड 2016 में, यू वुड नीड टू गो टू द मेन्यू टैब, आप किस टैब में जाएंगे इसके लिए। एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट के सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए, क्या सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको डैश मेन्यू टैब पर जाना होगा। बताइए, सोचिए, लेआउट, डिजाइन, रेफरेंस या इंसर्ट, क्या होगा करेक्ट आंसर। आप कहेंगे सर हमें तो ये पता ही नहीं है कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। आपको पता है, आपने किसी बुक के पहले इंडेक्स देखा है ना, उसी इंडेक्स को बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। और ये करने के लिए एमएस वर्ड में हम जिस टैब का चयन करते हैं वो है रेफरेंस। फुटनोट की बात करें वो भी रेफरेंस में होता है, और टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो ये भी रेफरेंस टैब में पाया जाता है। आइए इसको प्रैक्टिकली एक बार देखते हैं, हैव अ लुक। अब यहां पर अगर इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो हमने इसके लिए एमएस वर्ड ओपन किया और रेफरेंस टैब पर क्लिक किया। जैसे ही रेफरेंस के टैब पर क्लिक किया ये खुल गया हमारे सामने, जहां पर हमें दिख गया सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट, अपडेट टेबल, एड टेक्स्ट, इंसर्ट एंड नोट, नेक्स्ट फुटनोट या इंसर्ट फुटनोट। मैंने आपको बताया ना अभी कि फुटनोट का ऑप्शन भी रेफरेंस में आता है, और इसको याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछते ही पूछते हैं कि फुटनोट किस टैब में दिखाई देता है। आंसर होगा रेफरेंस में। कैसे याद करें इसको, आप इस तरीके से कहानी के फॉर्मेट में याद करिए कि ये फुट नोट नहीं है, ये फुट में लगी हुई चोट है, और जब फुट में कोई चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें रेफर कर देता है कि भाई मेरे बस की बात नहीं, आप किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा लीजिए, मैं लिख के दे देता हूं पर्चे में। तो उसने क्या किया, रेफर कर दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, फुट नोट भी रेफरेंस टैब में है, टेबल ऑफ कंटेंट भी रेफरेंस टैब में ही देखने को मिलता है। तो यही तो पूछ रहा था यहां पर, टेबल ऑफ कंटेंट किस टैब में है। तो अब आपने कहा सर अब तो हमें याद रहेगा, हम कभी नहीं भूलेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट आए या फुटनोट आए, दोनों ही केसेस में आंसर क्या होगा, रेफरेंस होगा, वेरी गुड। अब जरा हम ये देख लें कि टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है। आओ जरा देखो ध्यान से, टेबल ऑफ कंटेंट, मैंने क्या कहा था आपसे कि जब आप किसी बुक के इंडेक्स की बात करते हैं तो वहां पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट ही तो दिखता है कि ये टॉपिक किस पेज नंबर पे है, ये टॉपिक किस पेज नंबर पे है, ये टॉपिक किस पेज नंबर पे है। अगर आपको ये सेट करना है तो टेबल ऑफ कंटेंट कहता है मैं हूं ना, इसकी टेंशन आप बिल्कुल भी ना लो, क्योंकि ये टेंशन लेने के लिए बैठा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट। बस आपको इस टैब की मदद से ये इंडेक्सिंग तैयार कर लेनी है, वेरी इजी है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन एमएस वर्ड 2021। अब हमने जो भी क्वेश्चंस थे उनको इस फॉर्मेट में लिख दिया है, क्योंकि यहां पर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही थी, तो हमने इसको और अच्छे करते हुए यहां पर आपके लिए टाइप ही कर दिया है ना। अब बताइए इसके आंसर्स क्या रहा है। मैक्सिमम फॉन्ट साइज एमएस वर्ड में क्या है, देखो अगर एमएस ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो आप जानते होंगे कि एमएस ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन क्या है, मुझे बताओ फटाफट। आंसर है एमएस ऑफिस 2021। ये ऑफलाइन मोड में है, और जब हम ऑनलाइन मोड में बात करते हैं तो आंसर है ऑफिस 365, वेरी गुड। या तो ऑफिस 2021 होगा या तो ऑफिस 365 होगा, डिपेंड करेगा ऑप्शन में है ना, क्या दिया हुआ है लेटेस्ट वर्जन में। क्योंकि ऑफलाइन की बात करें तो 2021 लेटेस्ट है, और अगर ऑनलाइन की बात करें
तो ऑफिस 365 लेटेस्ट है। तो यहां पर बात हो रही है एमएस वर्ड 2021 की, यानी लेटेस्ट वाले वर्जन की। और मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है एमएस वर्ड में? वेरी गुड, 1638 मैक्सिमम फॉन्ट साइज। मिनिमम तो एक हो सकता है ना, फॉन्ट साइज अगर आप एक करना चाहें तो कर सकते हैं, मिनिमम वन और मैक्सिमम 1638। क्या आप फॉन्ट का साइज 1639 भी करके ट्राई कर सकते हैं क्या? क्या 1639 भी हो सकता है क्या? यही क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आया, तो मैंने कहा आओ जरा एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो मैंने फॉन्ट का साइज 1639 कर दिया चेक करने के लिए। तो मेरे सामने ये मैसेज आया कि रुक जाइए, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638, जिसमें इसने क्लियर कट वार्निंग मुझे दे दी कि सचिन सर ये वार्निंग है कि जो नंबर होंगे हमेशा 1 से 1638 के बीच में होंगे। मैंने कहा वाह भाई, यही वार्निंग तो मुझे चाहिए थी अपने बच्चों के लिए, ताकि मैं वहां पर दिखा पाऊं कि नंबर्स की जो मिनिमम है वो 1 है और जो मैक्सिमम है वो 1638 है। समझ में आ गया? वेरी गुड। इन एन एमएस एक्सेल वर्कशीट, कह रहा है अब एमएस एक्सेल का क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया। एमएस एक्सेल वर्कशीट में, वर्कशीट क्या होती है? कई सारी वर्कशीट को मिला के वर्कबुक बनती है एमएस एक्सेल में, द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। तो कह रहा है एमएस एक्सेल वर्कशीट में प्रेस करेंगे क्या? फंक्शन की टू इनवोक गो टू डायलॉग बॉक्स, ऐसी कौन सी फंक्शन की प्रेस करें जिससे कि गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए? एमएस एक्सेल वर्कशीट में गो टू डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किस फंक्शन की को दबाएंगे? F9, F3, F7 या F5, क्या होगा आंसर? वेरी गुड, F5 को जब हम दबाएंगे तो गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आंसर यहां पर क्या है गाइस? F5। याद रखिएगा द करेक्ट आंसर इज F5। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल इन एमएस वर्ड 2016? कह रहा है बताइए एमएस वर्ड 2016 में या किसी भी वर्जन में, यानी लेटेस्ट वाले वर्जन में, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का स्टाइल क्या होगा? फॉन्ट स्टाइल कितने होते हैं? रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक, ये चारों आपके फॉन्ट के स्टाइल हैं। लेकिन अगर एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का स्टाइल पूछें तो आंसर होगा रेगुलर। क्या होगा गाइस? रेगुलर इज द करेक्ट आंसर। देखिए एक बार अच्छे से, जब हमने फॉन्ट के स्टाइल पर क्लिक किया तो हमें दिखा रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। तो सबसे पहले हमें यह याद करना है कि एमएस वर्ड में फॉन्ट का जो स्टाइल है, फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चार है। कितने हैं? चार। इस पर करिए विचार, ये चार कौन कौन से हैं? रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक। फिर से रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक। और जबकि बाय डिफॉल्ट की बात करें तो हमें चमकता हुआ दिख रहा है रेगुलर, जो कि बाय डिफॉल्ट है। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल इन एमएस वर्ड 2021? है ना प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। एमएस वर्ड 2021 में या किसी भी वर्जन में कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? जल्दी से बताइए, अगर आपको एमएस वर्ड में कॉपीराइट सिंबल लगाना है तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? बहुत आसान है, कॉपीराइट के लिए हमेशा याद रखिएगा एयर कंडीशन, एसी। सर एसी क्यों याद रखें? एसी इसलिए क्योंकि आंसर आपका एसी है। एसी मतलब ऑल्ट कंट्रोल सी, या फिर कंट्रोल ऑल्ट सी, ये भी हो सकता है। तो कंट्रोल पहले लिखें या ऑल्ट पहले लिखें, क्या इससे भी कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आप पहले कंट्रोल दबा सकते हैं क्योंकि दबाने तो तीनों एक साथ है ना, तो चाहे पहले ऑल्ट दबाएं, बाद में कंट्रोल, फिर बाद में सी, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर क्या हो गया? ACC, यानी फोर्थ इज द करेक्ट वन। समझ में आ गया, ये कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा?
ऑल्ट कंट्रोल सी सिंबल का, यानी इन तीनों कीज को एक साथ दबाना होगा, तब जाकर ये सिंबल अपीयर होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द सिंबल दिस वन, ये जो सिंबल आपके सामने बना हुआ है ये इंडिकेट क्या करता है एमएस एक्सेल में? व्हाट डज द सिंबल दिस इंडिकेट इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में यह चिन्ह क्या दर्शाता है बताइए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, ऑटो सम या डेट, क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड। ये जो सिंबल है ये दर्शाता है ऑटो सम फीचर। किसको दर्शाता है गाइस? ऑटो सम। जब हमें सम करना होता है तो हम इस सिंबल का यूज कर सकते हैं, या फिर हम इक्वल्स टू सम लिख के ड्रैग कर सकते हैं जिनको हमें सम करना है ना, ये भी एक तरीका है, या डायरेक्टली इस सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। दैट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कर लेंगे आप, आसान है। इन एमएस वर्ड 2019 डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट कैन बी सर्च्ड फ्रॉम। एमएस वर्ड 2019 में एक दस्तावेज में शब्दों के विभिन्न अर्थ कहां से खोजे जा सकते हैं बताइए? एंटोनिम्स, सिनोनिम, सर्च करने के लिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है एमएस वर्ड में जहां पर आपको कई सारे मीनिंग्स मिल जाएंगे, सिनोनिम्स मिल जाएंगे, समानार्थी शब्द मिल जाएंगे बताइए? डिक्शनरी, गूगल, थेसोरस या स्पेलिंग? वेरी गुड। आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम एमएस वर्ड में थेसोरस पर क्लिक करेंगे, किस पे? थेसोरस पे, तो हमें मिल जाएंगे क्या? सिनोनिम्स ऑफ द पार्टिकुलर वर्ड। जो भी हमें वर्ड्स के सिनोनिम चाहिए, समान शब्द चाहिए, वो हमें मिल जाएंगे, या डिफरेंट मीनिंग्स चाहिए वो भी मिल जाएंगी हमें। तो सिनोनिम भी मिल जाएंगी और एंटोनिम्स भी, किसके थ्रू? थेसोरस के थ्रू। ये थेसोरस कहां पर होता है आप देखिएगा, इसको ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट प्लस F7 भी है। जब आप शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करते हैं तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां पर आपको स्पेलिंग और थेसोरस वाला ऑप्शन मिल जाएगा, शिफ्ट F7, और ये आपको रिव्यू टैब में देखने को मिलता है। जब रिव्यू टैब पर आप क्लिक करेंगे तो वहां आपको एक प्रूफिंग का ऑप्शन शुरुआत में ही दिखेगा, जहां स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिसके लिए आप F7 भी प्रेस कर सकते हैं। अगर कोई ग्रामेटिकल एरर है, कोई एरर है, इसके लिए F7 प्रेस करेंगे तो स्पेल चेक हो जाएगा, और थेसोरस के पॉइंट ऑफ व्यू से शिफ्ट प्लस F7, है ना, याद रखिएगा इस बात को। और ये किस टैब में मिल रहा है गाइस? तो रिव्यू टैब, क्योंकि ये हम रिव्यू कर रहे हैं ना कि हमें सिमिलर शब्द चाहिए, हमें अपोजिट चाहिए, या हमें स्पेलिंग चेक करनी है, दिस इज कॉल्ड रिव्यू करना या प्रूफिंग करना। क्लियर? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, इन पावर पॉइंट थीम्स कुड बी फाउंड अंडर, पावर पॉइंट में थीम्स को किसके अंतर्गत पाया जा सकता है? ट्रांजिशन टैब, डिजाइन टैब, इंसर्ट टैब या एनिमेशन टैब? जल्दी से बताइए। पावर पॉइंट में अलग अलग तरीके की थीम्स होती हैं जो पाई जाती हैं डिजाइन टैब के अंदर। अगर आपने पावर पॉइंट कभी चलाया होगा तो आपको ये बात पता होगी, जैसे ही आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो डिजाइन टैब के अंदर आपको अलग 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 तरीके की बड़ी ही शानदार, बड़ी ही खूबसूरत तरीके से थीम्स मिल जाएंगी, और जिस भी थीम को आप अप्लाई करना चाहते हैं आप क्लिक कर दीजिए, वो सभी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएगी। तो यही तो पूछ रहा है कि पावर पॉइंट में थीम्स कहां मिलती हैं? डिजाइन टैब में। वेरी गुड। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर सेल एड्रेस, कह रहा है सेल एड्रेस का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बताइए। इनमें से सेल एड्रेस लिखने का सही तरीका क्या है? सेल एड्रेस के लिए सही विकल्प का चयन करें, 2512, A25, 911 या 45Z, क्या होगा आंसर? हम जानते हैं कि सेल के एड्रेस की हमेशा जो शुरुआत होती है वो कॉलम और देन रो, तो पहले शुरुआत कॉलम से होगी फिर रो होगा, और कॉलम को हमेशा अल्फाबेट से लिखते हैं
और रो को हमेशा नंबर से, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, अल्फाबेट यानी ए, नंबर्स यानी 25, तो ए 25 इज द करेक्ट आंसर। बाकी क्यों नहीं हुए, क्योंकि सबसे पहले हमें यह देखना है सेल एड्रेस में कि शुरुआत हमेशा अल्फाबेट से होगी, कहीं दिया हुआ अल्फाबेट और किसी में, बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले ए दिया हुआ है यानी अल्फाबेट, बाद में नंबर यानी 25, तो आंसर क्या हो गया, ए 25 इज द करेक्ट आंसर। और ये सेल का एड्रेस कहां दिखता है, जब आप किसी सेल में कुछ लिखेंगे वो कहां दिखेगा आपको, नेम बॉक्स में, कहां दिखेगा गाइज, दैट इज इन द नेम बॉक्स। नेक्स्ट, विच एमएस वर्ड फीचर इनेबल्स टू इनलार्ज अ लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ टेक्स्ट ब्लॉक टू टू और मोर लाइंस। इधर आइए, कह रहा है जरा मुझे बताइए कौन सा एमएस वर्ड फीचर टेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत में एक अक्षर को दो या दो से अधिक पंक्तियों में बड़ा करने में सक्षम बनाता है, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, फुटनोट या टैब स्टॉप। क्वेश्चन क्या है पहले इसको समझिए, कह रहा है आपको पहला लेटर बड़ा करना है, एमएस वर्ड फीचर टेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत में एक अक्षर को दो या दो से अधिक पंक्तियों के बराबर बड़ा करना है। आपने देखा भी होगा कई बार न्यूज़पेपर्स में जो हेडिंग होती है उसका जो पहला लेटर होता है वो काफी बड़े से लिखा जाता है, अट्रैक्टिव के लिए, अट्रैक्शन करने के लिए, है ना, आकर्षित करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड, बिल्कुल सही, ड्रॉप कैप, इसी को बोलते हैं ड्रॉप कैप। ये रहा, है ना, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ को टाइप करते समय जो पहला लेटर है वी, वीडियो का, उसको कम से कम बहुत सारी लाइंस के बराबर बड़ा करा गया है। अब बहुत सारी लाइंस के बराबर बड़ा किया गया है, अब यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि इसको तो हमने ड्रॉप कैप कह दिया कि इनिशियल लेटर बड़े से हो और ये कई लाइंस के बराबर हो, है ना, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप कैप। लेकिन अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जैसे मिनिमम लाइन इसकी कितनी होनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस के बराबर होता है ये, और मैक्सिमम ड्रॉप कैप कितनी लाइंस के बराबर हो सकता है, यानी ये जो लेटर है ये मिनिमम कितनी लाइन के बराबर हो सकता है, बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस के बराबर हो सकता है और मैक्सिमम कितनी लाइंस के बराबर हो सकता है। तो मिनिमम कोई भी चीज एक होती है, यानी मिनिमम ये एक लाइन के बराबर होगा, बाय डिफॉल्ट यानी अगर आप कोई भी बदलाव नहीं करते हैं तो ये आपको कितने लाइंस के बराबर दिखेगा, तीन लाइंस के बराबर, तो ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट थ्री लाइंस के बराबर होता है, बहुत बढ़िया। और मैक्सिमम लाइंस, ये अधिकतम कितनी लाइंस के बराबर हो सकता है, मैक्सिमम कितनी लाइंस के बराबर हो सकता है, तो आंसर है 10 लाइंस के बराबर, 10 लाइन के बराबर। तो हमें ये बात भी समझ में आ गई कि ड्रॉप कैप का मतलब पहला लेटर बड़े से होना चाहिए और कई लाइंस के बराबर होना चाहिए, मिनिमम ये एक लाइन के बराबर, मैक्सिमम 10 लाइन के बराबर और बाय डिफॉल्ट तीन लाइन के बराबर होता है, वेरी गुड। हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन द सेल रेंज A1:B3 ऑफ एन एमएस एक्सेल वर्कशीट। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए तो लिखा हुआ है वर्किंग ऑफ एमएस एक्सेल, वर्किंग ऑफ एमएस वर्ड, वर्किंग ऑफ एमएस पावर पॉइंट, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल सीधे साधे नहीं है ना, घुमा के पूछे गए हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चंस काफी आसान आपको लगने लगेंगे। क्वेश्चन क्या है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में जो सेल की रेंज है A1:B3 में कितने सेल मौजूद है। सेल की रेंज को हमेशा कॉलन से डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है, तो रेंज को कैसे दर्शाते हैं गाइस, कॉलन की मदद से, A1:B3 यानी A1 से लेकर B3 तक टोटल कितनी सेल्स हैं, कैसे बताएं, A और B कितना है 2, 1 से लेकर कितना है 3, 3×2 कितना हो गया 6, आंसर है 6। सर आपने कैसे दिया इसका आंसर इतनी जल्दी, आइए देखिए। सबसे पहले रोज किस फॉर्मेट में होती हैं, नंबर्स के फॉर्मेट में, तो हमने देखे कितने नंबर्स हैं यहां पर, तो हमें देखा 1 से लेकर 3 तक 3 नंबर्स हैं, तो हमने लिखा 1 से लेकर 3 तक 3 नंबर्स यानी 3, ये 1 2
टू थ्री है ना, एक से लेकर तीन तक तीन होते हैं, 1 2 3। फिर हमने कॉलम्स देखी, ए और बी दो दिए हुए हैं तो हमने लिख दिया दो, और टोटल सेल्स कितनी होंगी, रो गुणे कॉलम, यानी रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स, यानी 3 × 2 कह लीजिए, 2 × 3 कह लीजिए, द आंसर इज 6 इज द करेक्ट वन। समझ में आया? अब यहां पर कुछ भी दिया होगा तो आप कर लेंगे, वेरी गुड। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द सेंट्रल अलाइनमेंट ऑफ अ लाइन और टेक्स्ट इन एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर? कह रहा है एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में लाइन या टेक्स्ट के सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? अब आपको यह पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ अलाइनमेंट्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, जहां से आप सेंटर कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, राइट लेफ्ट जस्टिफाई और सेंटर। आप किसी भी चीज को जब लिखते हैं तो उसको या तो राइट से लिखते हैं या लेफ्ट से या सेंटर से या जस्टिफाई, मतलब दोनों तरफ राइट और लेफ्ट एक बराबर होना चाहिए, है ना, दैट इज कॉल्ड जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो यहां पर कह रहा है सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की बताइए, आंसर है कंट्रोल ई फॉर द सेंटर। लेफ्ट करने के लिए कंट्रोल एल का यूज करते हैं, राइट करने के लिए कंट्रोल आर का यूज करते हैं, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे का यूज करते हैं, और सेंटर करने के लिए कंट्रोल ई का यूज करते हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन था। यह भी पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ अलाइनमेंट्स कितने होते हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ अलाइनमेंट्स आर देयर, तो आंसर होगा 4। इसी पर हमने किया विचार, कौन कौन से, राइट लेफ्ट सेंटर और जस्टिफाई, वेरी गुड। इन एमएस एक्सेल 2016 द शॉर्टकट की टू अप्लाई और रिमूव स्ट्राइक थ्रो इज, कह रहा है एमएस एक्सेल 2016 में या किसी भी वर्जन में स्ट्राइक थ्रू लगाने या हटाने की शॉर्टकट की क्या है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या है, अगर आपको यह पता होगा तो कुछ कुछ आप कर पाएंगे। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है टेक्स्ट को लिखकर काट दो। समझ में आया नहीं आया, अभी समझाते। स्ट्राइक थ्रू के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस 5। आइए जरा ध्यान दीजिए, जैसे ही आप कंट्रोल प्लस 5 करेंगे एमएस एक्सेल में तो क्या होगा, जो टेक्स्ट होगा उसके ऊपर एक लाइन बन के आ जाएगी, है ना, दिस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड स्ट्राइक थ्रू, और इसको करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस 5 है। तो आपको यहां से एक आइडिया लग रहा होगा, सर पेपर का लेवल बहुत इजी नहीं होगा लेकिन बहुत टफ भी नहीं होगा, अगर आपने यहां पर बहुत इन डेप्थ लेवल पे पढ़ा हुआ है, हर एक चीज को समझा हुआ है तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। यस वेरी गुड। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ सम फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल 2019? बताइए एमएस एक्सेल 2019 में आपको सम फॉर्मूला डालने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा इस्तेमाल करना होगा। कंट्रोल इक्वल्स टू, ऑल्ट इक्वल्स टू, ऑल्ट प्लस एस, कंट्रोल ऑल्ट इक्वल्स टू, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। वेरी गुड। हम जानते हैं एमएस एक्सेल में सम फॉर्मूले को इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट इक्वल्स टू का यूज करते हैं। दिस इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ सम फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल। सम फॉर्मूला डालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, पहला तरीका। दूसरा, जो अभी हमने सिंबल आपको बताया था वो भी यूज कर सकते हैं। तीसरा, इज इक्वल्स टू सम करके ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं, है ना, ड्रैग कर सकते हैं उतनी सेल्स को जिनको हमें सम करना है। तो बहुत सारे तरीके हैं सम करने के लिए। तो एक आंसर ये भी हो गया, ऑल्ट इक्वल्स टू। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लेस होल्डर गिवेन इन पावर पॉइंट स्लाइड बाय डिफॉल्ट? पावर पॉइंट स्लाइड में बाय डिफॉल्ट रूप से कितने प्लेस होल्डर दिए गए? देखो कितना बढ़िया लेवल का क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको पावर पॉइंट में प्लेस होल्डर पता होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे।
अगर आपने पावर पॉइंट ओपन की होगी तो आप जानते हैं वहां पर दो बॉक्सेस गिवन होते हैं डॉटेड फॉर्मेट में, जिन्हें प्लेस होल्डर बोला जाता है। तो कितने होते हैं? दो। यानी आंसर क्या होगा? टू प्लेस होल्डर इज द करेक्ट वन। आइए देखते हैं। तो आंसर है दो तरीके के प्लेस होल्डर होते हैं बाय डिफॉल्ट। जैसे ही आपने एमएस पावर पॉइंट को ओपन किया, आपने देखा पहला जो प्लेस होल्डर गिवेन है उसके ऊपर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, और दूसरा जो प्लेस होल्डर आपको बड़ा सा दिख रहा है उस पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। ऊपर वाले में आप टाइटल रख सकते हैं, नीचे वाले में आप भर भर के टेक्स्ट डाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। क्वेश्चन उठता है, सर ये बताइए प्लेस होल्डर की डेफिनेशन क्या होगी? वेरी गुड। प्लेस होल्डर का मतलब डॉटेड बॉक्स। द डॉटेड बॉक्स विच इज गिवेन ओवर द प्रेजेंटेशन, ओवर द स्लाइड, दैट इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। स्लाइड के ऊपर जो डॉटेड बॉक्स गिवेन होते हैं, जिसमें आप टाइटल या कोई भी टेक्स्ट या कोई भी इमेज रखते हैं, इसी को बोलते हैं क्या? प्लेस होल्डर। नाम से ही पता चल रहा है, वेयर यू हैव टू प्लेस समथिंग, जहां पर आपको किसी भी चीज को होल्ड करवाना है, उसको जगह देनी है, दैट इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। और ये बाय डिफॉल्ट कितने हैं? दो। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश लाइन अंडर एमएस वर्ड 2019 इंडिकेट अ मिस स्पेलिंग। चुन चुन के बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस। एमएस वर्ड 2019 के अंतर्गत डैश लाइन गलत स्पेलिंग दर्शाती है। सोचिए, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, येलो लाइन, रेड लाइन, क्या होगा आंसर? तो ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड में अगर कोई भी स्पेलिंग गलत हो जाती है तो उसको हम शो करते हैं रेड लाइन की मदद से। यानी हेयर इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रेड लाइन। अब क्वेश्चन ये हुआ कि सर स्पेलिंग गलत होगी तो रेड लाइन होगा, बिल्कुल सही। अगर कोई ग्रामेटिकल एरर होती है तो इस केस में ग्रीन लाइन होगा, ग्रीन फॉर द ग्रामेटिकल एरर इन एमएस वर्ड, एंड ब्लू लाइन फॉर द कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर। अब ये कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर क्या है? ये बड़ा फेमस है। कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर का मतलब है कि स्पेलिंग तो सही है लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है वो गलत है। जैसे यहां पर जो डियर लिखा गया है ना, इसकी स्पेलिंग गलत है, डी डब्ल ई आर लिख दिया गया है, जबकि होना क्या चाहिए? डी ई ए आर। लेकिन ये दोनों स्पेलिंग अलग अलग जगह पर सही है ना। जैसे आप डू यू नो, के एन ओ डब्ल्यू और एन ओ नो हैं तो दोनों स्पेलिंग सही, लेकिन अगर हम डू यू नो में एन ओ नो लिख देंगे तो क्या ये गलत होगा? ये कॉन्टेक्स्ट गलत होगा, क्योंकि के एन ओ डब्ल्यू इज द करेक्ट वन, वेयर एज एन ओ नो इज द इनकरेक्ट वन एज द कॉन्टेक्स्टुअल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, कॉन्टेक्स्ट वाइज। तो आंसर क्या मिल गया? स्पेलिंग के लिए रेड लाइन, ग्रामेटिकल के लिए ग्रीन लाइन, और कॉन्टेक्स्टुअल स्पेलिंग एरर के लिए ब्लू है पानी, पानी पानी मतलब ब्लू लाइन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभावों को क्या कहा जाता है? स्लाइड कैसे आएगी और स्लाइड पावर पॉइंट में कैसे जाएगी, इसे क्या बोलते हैं? इफेक्ट, कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशन या एनिमेशन, बताइए। स्लाइड कैसे आएगी और कैसे जाएगी, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन। समझ में आया? नहीं आया? आइए इसको डिटेल में समझते हैं। ध्यान से देखिए, ट्रांजिशन पे जब आप क्लिक करते हैं पावर पॉइंट में तो आपको अलग अलग तरीके के ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं, जैसे नन, मॉर्फ, फेड, पुश, कर्टेन। अगर हमने कर्टेन पर क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये स्लाइड आ रही है ना आपके सामने ओपन होके, ये एक तरीका है ना जो आपको बढ़िया लग रहा होगा देखने में, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन। एनिमेशन क्या होता है?
अब एक कंफ्यूजन आए आपके मन में, सर तो ये बताइए एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या डिफरेंस है। आइए, एनिमेशन हमेशा किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं हमने कोई इमेज लगाई उस पर हमने एनिमेशन लगाया। क्या यहां पर पूरा पेज हिल रहा है? नहीं, यहां पर सिर्फ टेक्स्ट के साथ हमने काम किया है और इमेजेस के साथ काम किया है, यानी ऑब्जेक्ट पर हम जो भी लगाते हैं उसे एनिमेशन बोलते हैं और पूरे पेज पर जो भी हम लगाते हैं उसे ट्रांजिशन बोलते हैं। तो पेज कैसे आएगा कैसे जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। और कोई भी टेक्स्ट या इमेज कैसे आएगी और कैसे जाएगी, दैट इज कॉल्ड एनिमेशन। समझ में आया डिफरेंस? वेरी गुड गाइस। तो ये रहे आपके बेस्ट 20 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी हम आपके सामने लाएंगे और दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स दैट कैन बी एडेड टू एन एक्सेल वर्कबुक? एक्सेल वर्कबुक में अधिकतम कितनी शीट जोड़ी जा सकती है? सोचिए, हम जानते हैं कि एमएस एक्सेल में कई सारी शीट्स को ऐड किया जा सकता है, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री एंड सो मैनी। लेकिन ये मैक्सिमम नंबर कहां जाकर रुकेगा? 225, 255, 250, 253? क्या होगा करेक्ट आंसर गाइस? अगर आपको पता है करेक्ट आंसर तो फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको यह आंसर पता है या नहीं। तो ये रहा गाइस सेशन, उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो कंप्यूटर के शानदार सेशंस के लिए सब्सक्राइब करिएगा जरूर से। और अगर आपको बेसिक टू एडवांस टू मॉडरेट कंप्लीट नॉलेज चाहिए कि सर हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है इसी मजेदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को और कॉन्सेप्ट के बाद सारे एमसीक्यूज को, तो बस ये रहा एकमात्र सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स, आपकी सभी समस्याओं का एक सॉल्यूशन, दैट इज द कोर्स यूपीपीएससी एपीएस। शानदार कोर्स शुरू होने जा रहा है कब से आप जानते हैं? 28th of September से। टाइमिंग नोट कर लीजिए 1 PM पर लाइव, और लाइव ना देख पाए तो रिकॉर्डेड। वैलिडिटी 12 months। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन क्लिक करिए, ज्वाइन करिए। कोई भी डाउट है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपनी फीलिंग्स को जरूर एक्सप्रेस करके मुझे बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में गाइस।